रेड कलर है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये है क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे कलर। ये डुअल चैनल एबीएस सपोर्टेड है। इसका ऑन रोड क्या है यहाँ पे ना, अलॉय व्हील और ट्यूबलेस के साथ ये गाड़ी आती है। ये देख लीजिए, ये है क्रोम कलर, ठीक है ना, क्लासिक 350। तो देख लीजिए, यही वाला है, ये कौन सा है, रॉयल एनफील्ड 350 रेडिच रेड ना, BS6 सिंगल चैनल ABS के साथ है। इसका ऑन रोड क्या है यहाँ पे ना, ऑन रोड यहाँ पर 1,87,160 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है। ये देख लीजिए, और यहाँ पे इसको सिंगल चैनल ABS मिलेगा इसमें। ये देख सकते हैं, इसमें सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट है, इसमें डुअल चैनल नहीं है। फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक है विथ RLP यूनिट। पीछे में आपको ड्रम ब्रेक है, डिस्क नहीं है इसमें दिया हुआ, देख लीजिए। और अलॉय व्हील इसमें नहीं है, इसमें अगर ग्रे कलर का लेते हैं तो इसमें अलॉय व्हील मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, रेड कलर है, शाइनी रेड है। और मीटर कंसोल मैं दिखा देता हूँ, मीटर कंसोल आपको कंप्लीट इसमें एनालॉग मिलता है, इसमें डिजिटल वगैरह कुछ नहीं है। फ्यूल इंजेक्टर इसमें लगा हुआ, यानी कि यहाँ पे देखिए इंजन की फंक्शन की लाइट दी हुई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं 350cc का इंजन इसमें मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, क्लासिक 350 की ब्रांडिंग की हुई है। और गियर पाँच ही है ना इसमें, पाँच गियर, एक आगे चार पीछे, यानी पाँच गियर टोटल इसमें आपको मिल जाएंगे। ये देखिए इंजन इसमें 350cc का BS6 इंजन है। और सामने से दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, सामने से देख लीजिए गाड़ी को कैसी लग रही है आप मुझे बताइए। और मडगार्ड इसका शाइनी ब्लैक कलर में है, और स्पोक इसमें मिलता है, अलॉय व्हील नहीं है। आप चाहो तो अलॉय व्हील लगा सकते हो इसमें। ये देखिए, यहाँ पर EFI 350 की ब्रांडिंग बैजिंग कर रखी है कंपनी ने, रॉयल एनफील्ड वालों ने, इंजन के साइड नीचे में। साइलेंसर देख लीजिए, क्रोम फिनिश वर्क किया गया है, ये देख सकते हैं। ये रेड कलर है, इसमें आपको राइडर सीट और पिलियन सीट मिला हुआ लगा हुआ मिलेगा आपको। इस साइड से देखिए, इसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, FI इसमें लगा हुआ है, इसमें कार्बोरेटर हटा दिया गया है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर और बल्ब एंड रिफ्लेक्टर वाले इंडिकेटर। LED का इसमें कुछ नहीं है, LED हेडलाइट नहीं है, और ना ही LED इंडिकेटर से मिलते हैं। और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, सामने की तरफ डिस्क ब्रेक मिलेंगे, पीछे आपको ड्रम मिलता है। लेकिन अगर आप ग्रे कलर का लेते हैं उसमें आपको ट्यूबलेस मिलता है, प्लस आपको डुअल चैनल मिलता है। उसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप गन मेटल ग्रे कलर लोगे तो यहाँ पर उसका ऑन रोड प्राइस मेंशन किया हुआ है, 2,11,120 रुपये इसका कीमत है। वो ट्यूबलेस है, प्लस उसमें आपको अलॉय व्हील लगा हुआ मिलेगा। पीछे से डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, पीछे से इसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार है। ये देखो, ये देख लो, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको साइड गार्ड लगा हुआ मिलता है। और साइड बाय साइड मैं आपको लुक दिखा रहा हूँ इस गाड़ी का, ये देख सकते हैं। टायर आपको, फ्रंट टायर आपको मिलता है, यहाँ आप देखिए 90-90-19 का फ्रंट टायर मिलता है, ट्यूब वाला है, ये ट्यूब है, ट्यूबलेस नहीं है। सीएट का टायर इसमें मिलता है। पीछे का टायर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए 110-90-18 का पीछे का टायर है, सीएट कंपनी का नायलॉन टायर इसमें आपको मिलता है। और ये रहा इसका बैक सस्पेंशन, आगे का सस्पेंशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। तो गाड़ी कुछ इसी प्रकार है, कीमत मैंने आपको ऑन रोड प्राइस बता दिया इसका, कि ऑन रोड प्राइस क्या है। फ्यूल टैंक आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी आकर्षित लग रहा है मुझे इसका। इसका फ्यूल टैंक पैड्स लगे हुए हैं इसके साइड बाय साइड, ये देख सकते हो। पीछे की तरफ ग्रेब हैंडल स्टील का, नंबर प्लेट्स वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन जब आप लोगे तो आप इसमें INDY नंबर लगा के आपको गाड़ी दी जाएगी। ऊपर से लुक ले लीजिए। ऑल राइट
राइट दोस्तों, आपको ये कलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप अगर बुलेट के फ़ैन हैं तो एक लाइक तो बुलेट के नाम पर बनता है बॉस। अभी आपको मैं फुली क्रोम कलर फिनिश के साथ अभी आपको क्लासिक 350 दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये है क्रोम कलर, ठीक है ना, क्लासिक 350 देख लीजिए, 350 की बैजिंग कर रखी है। ये डुअल चैनल ABS इसमें है, फ्रंट और बैक दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं इसमें, और ये डुअल चैनल ABS सपोर्टेड है। ये देखिए पीछे में भी डिस्क दिया हुआ है। इसका प्राइस जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इसका नाम लिख करके मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। ये आप सामने से लुक देख लो इसका। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो गन मेटल ग्रे कलर डुअल चैनल अलॉय व्हील के साथ जो ट्यूबलेस वाली है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में बता देना। वीडियो कैसी लगी लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। वीडियो बाइक से रिलेटेड मेरी आती रहेगी, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि कोई वीडियो अपलोड होगा बाइक से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। दोस्तों ये देख लीजिए, ये है क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे कलर, ये डुअल चैनल ABS सपोर्टेड है। ये देख लीजिए, इसमें डुअल चैनल ABS मिलता है प्लस अलॉय व्हील मिलता है, और ये ट्यूबलेस है। ये देख सकते हो ये ट्यूबलेस बाइक है, और इसके फ्रंट और बैक दोनों में ABS फंक्शनेबल है। मैं पीछे से भी दिखा देता हूँ इसका, ये देख लो, ये देखो पहले आगे से देख लीजिए, ये देखिए आगे में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है विथ ABS। इसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों में ABS मिलते हैं, 5 गियर मिलेंगे, BS6 इंजन है, FI इंजन मिलता है इसमें। अब सबके इंजन से अब कार्बोरेटर हटा दिया गया है, FI इंजन इसमें लगा दिया गया है। पीछे में देख लीजिए, पीछे में भी डिस्क ब्रेक है, ये देख लीजिए पीछे में भी डिस्क ब्रेक है, और ये डुअल चैनल ABS सपोर्टेड है। यही गाड़ी है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे कलर अलॉय व्हील और ट्यूबलेस के साथ ये गाड़ी आती है, प्लस इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है। कीमत मैंने शुरू में ही बता दिया था, अगर फिर भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे कलर लिख करके अपने स्टेट का नाम लिख करके ऑन रोड प्राइस मालूम कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर बताएं कमेंट में, लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये देख लीजिए टैंक पे आपको टैंक पैड दोनों साइड मिल जाते हैं। फ्रंट से मैं आपको इसका मीटर दिखा देता हूँ, ऊपर से देख लीजिए एनालॉग मीटर मिलता है, स्पीडोमीटर किलोमीटर सब एनालॉग है, न्यूट्रल की लाइट, पास लाइट की लाइट, टर्न सिग्नल नोटिफिकेशन की लाइट, फ्यूल इंडिकेटर की लाइट, ABS की लाइट और इंजन की लाइट यहाँ मिल जाती है। बाकी इसके मीटर में और कुछ ज़्यादा दिया नहीं है। फ्यूल टैंक देख सकते हैं चौड़ा दिया गया है, फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा इसमें आएगी। तो इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 13.5 लीटर, FI इंजन है, तो थोड़ा मोड़ा माइलेज आपको इसमें ज़्यादा मिलने वाला है। बात बाकी आपको कौन सा कलर अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, और रॉयल इनफील्ड की अगर फ़ैन हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए ये रहा इसका साइलेंसर, यहाँ पे कैटलेटिक कन्वर्टर दिया हुआ है, और साइलेंसर का जो फिनिश है वो प्योर आपको क्रोम फिनिश वर्क के साथ इसका साइलेंसर आपको मिलेगा। बात बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सीट मैं दिखा रहा हूँ, सीट कंफर्टेबल बनाया है रॉयल इनफील्ड वालों ने क्लासिक 350 BS6 का। मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि भैया आप रॉयल इनफील्ड का भी वीडियो बनाओ क्लासिक 350 का, तो मैं बना रहा हूँ। ये देख लो फ्रंट से देख लो, ये देखो अलॉय। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए दो इस भाई को आज़ाद, जल्दी मुलाकात होगी आप लोग से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिव फ्री राइड हार्ट एंड हैव अ सेफ राइड।